कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फाइनली चेकआउट कर चुकी हूँ मैं अपने रूम से। हस्बैंड चले गए हैं अपने किसी कोई मीटिंग है उनकी, और मैंने सोचा कि आज मैं जू कवर कर लेती हूँ। जू चलते हैं, दार्जिलिंग के जू कैसा है जू अभी देखते हैं। बस आने ही वाली है भाभी, मैंने मेफियर के बाहर ही बुला दिया है, वहीं से चलेंगे, गाड़ी कर लेते हैं या फिर पैदल चलते हैं, यहाँ से बहुत पास है। हम लोग निकल चुके हैं जू के लिए और हम लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा है और डाउन रास्ता है। आज भाभी जी के साथ आई है, भाभी जी की प्यारी सी बिटिया भी। हम लोगों ने अपना हम लोगों ने अपना बचपन ना साथ में गुजारा है, पूरा बचपन हम लोगों ने साथ में गुजारा है और ये इतनी बड़ी हो गई खुशी अभी। तो क्या बोलते हैं, अभी चलते रहते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको। और चुके हैं जू और दार्जिलिंग के जू पहुंच चुके हैं, अब आगे को जा रहे हैं। पांडे ने यहाँ और ये भालू, ये टाइगर क्योंकि इसको टाइगर हिल बोलते हैं। कौन सा टाइगर? टाइगर हिल। अच्छा, टाइगर हिल बोलते हैं ना। ये यहाँ पे दुकानें, और जाते समय ना कुछ लेके जाऊंगी जरूर, यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने वाली हूँ मैं, शॉपिंग करने करके जाने वाली हूँ। बहुत अच्छी फ्लावर्स की बगिया से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लावर्स हैं बहुत खूबसूरत से, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, छोटा सा गार्डन बगिया। ये बैठे यहाँ पे डियर, वाओ वो बेबी डियर, बढ़िया सारी चीजें, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। माय गॉड, टू शीप, वाह बकरा जैसे नहीं लग रहा वो, ये बट इसका नाम कुछ और है। हाँ गोट ही तो है, गोट की ही इतनी सारी वेराइटीज है। वाओ डियर है ये, बहुत ही प्यारा सा, ये तो बच्चा ही है बच्चा। यहाँ पे स्कूल के बच्चे घूमने के लिए आए हैं, जैसे ट्रिप होता ना हम लोगों का भी बचपन में होता था, शायद वही है। और हिमालया इंस्टीट्यूट यहाँ पे तो हम लोग जा नहीं रहे, ये एक म्यूजियम है बट नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी जाने की, अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा शॉपिंग भी करनी है। और कितना ज्यादा सुंदर और सुनसान लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कुछ खाएंगे उसके बाद फिर जू के नेक्स्ट तरफ को चलेंगे। ये देखो यहाँ का स्टेच्यू और इन्हीं के बारे में ये म्यूजियम है। माउंटेन चढ़ा, कैसे चढ़ा, क्या क्या खाने को लेकर, ये सब ऊपर को चढ़ रही हूँ। थकान भी लग रही है क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग चढ़ के आ गए हैं, और मैं होटल में तो बस चलने में ही थी, बहुत ज्यादा चल रही थी। वाओ वाओ कितना बड़ा है, वाओ ये शांत बैठा है, थक गया ये, ओ माय गॉड, वाओ ब्लैक बिग कैट लग रहा है, ओ माय गॉड, रे 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 रे, सो गया। और ये कैट जैसा होता है, क्योंकि बड़ा सही लग रहा है यार, क्योंकि ये कैट का पहली बार देखा मैंने ये भाभी, कैट का विकसित रूप। हाँ कैट का विकसित रूप पैंथर कहलाता है। और की वेराइटी, ओ माय गॉड कितना सुंदर, हाँ नेचुरली सही है ये, बड़ा सही लग रहा है ये, इससे तो रुद्रा बहुत खेला है ऊपर वाले से। हाँ हाँ नेक्स्ट हाँ दार्जिलिंग से बाहर को मोर ले गए, बाकी जो हम फाइनली जा रहे हैं, अब फाइनली जा रहे हैं हम लोग हिस्टोरिकल गार्डन और म्यूजियम है ये, तो इसमें भी फोटो खींचना अलाउड नहीं है, म्यूजियम में नहीं ले जाने दे रहे हैं, कैमरा वगैरह तो मैं नहीं ले जाऊंगी, बट यहाँ से दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा म्यूजियम होने वाला है ये भी, पहले वाला म्यूजियम भी बहुत अच्छा था, बहुत सारे मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, बच्चों को लेके जरूर आइए ताकि बच्चे ना कुछ जाने हिस्ट्री के बारे में, अदरवाइज पढ़ाई तो कोई करता नहीं आजकल। और अगर उनको इस तरीके के TLM दिखा के इस तरीके से पढ़ाया जाए, इट्स वेरी इजी एंड वेरी नॉलेजफुल ऑल्सो। फाइनली आ गए यहाँ से, हिस्टोरिकल गार्डन बहुत अच्छा था, बहुत सारे एनिमल्स,
के स्पेसीज थे और उनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस भी रखे गए थे। और अब चल रहे टाइगर फिर से देखने, वो अच्छे से नहीं देखा था, उसे मैं दहाड़ते हुए सुनना चाहती हूँ, देखते हैं कि वो दहाड़ता है कि नहीं। ठीक है, बैठ गया शांत सा। ओ माय गॉड, हाँ हाँ हाँ, कोई मतलब नहीं है, वो रोज ही देख रहा है। वाओ टाइगर, टाइगर हैज कम। यार ये बोल क्यों नहीं रहा। वाओ वाओ, ओ माय गॉड, चलो चलो चलो, लगा बंगाल टाइगर, मजा आ गया। आज का जू आना ना सिद्ध हो गया है, पैसा वसूल। और अभी एक चीज बाकी है, क्या? रेड पांडा, रेड पांडा, देखो 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 देखो, वाओ वाओ वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ हो 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 हो, चलो 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 चलो, ओ हो हो हो। और फॉक्स देख लेते हैं, चलो दिखाती हूँ, लेके भी जा सकता है वो। ये है व्हाइट फॉक्स, हाँ गया ये व्हाइट फॉक्स बाहर। यहाँ से वो डरता हुआ और मुझे देखता हुआ, ताकता हुआ और चुप बैठा है भाई, डर गया ये मुझसे, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है इन लंगूरों ने हमें। और ये हमारे नैनीताल भीमताल के साथी हैं, ओ माय गॉड, जीने नहीं देते थे यार ये, हाँ फ्रूट ले जाते थे, हमारे अमरूद तोड़ के ले जाते थे। ये देखो ये उछल कूद इनकी, ओ माय गॉड। और अब रेड पांडा देखने जाएंगे, रेड पांडा यहाँ का फेमस है, वो देखना तो जरूरी है। और ये है इस जू का फेमस रेड पांडा, इसी से फेमस है ये जू। और देखो कितना प्यारा सा है ये, अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अब तो छोटा है ना, बहुत खूबसूरत लगने वाला है ये, बहुत बड़ा होके बहुत ही प्यारा लगेगा ये। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी फिशेस, टाइनी फिशेस, वाओ ओ वाओ, ये कितनी प्यारी है, हाँ मेरी खुशी, हाँ फ्लेरी फिश। और ये फ्लेरी फिश फिश, और खुशी ये क्या है, इस पागल वाली फिश, चमकीली फिश, वाह खुशी, ये मछली, हाँ अपना मुंह अपना अल्लाह करते हुए। और ये रंगली फूल, ओ माय गॉड, ये पैरेट्स कितना बोल रहे, हाँ जी हाँ, ये कब है कब, ओ माय गॉड, ये लेपर्ड कैट, वाह कैसे बैठा है, ओ माय गॉड, वाह मजा आ गया भाई। जंगल कैट कितनी खूबसूरत सी, कितनी प्यारी सी, ठीक है क्या सुनती हूँ, अच्छा ये यहाँ पे जियोलॉजिकल पार्क आ गया है, जहाँ पे अभी नो एंट्री है, बिल्कुल भी नो एंट्री है। थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और मेरी वीडियोस में आते रहने के लिए, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मैं दिखाने वाली हूँ। और अब हो गया है दी एंड मेरी वीडियो का, क्योंकि खत्म हो चुका है जू, और नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, नेक्स्ट टाइम बाकी एरियाज कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आते रहना, लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, गुड बाय।